छापा चित्रकार दीपक कुमार डोंगरे की पैदाइश हरियाणा में एक साधारण परिवार में हुई और वहीं पे उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से चित्रकला में बैचलर डिग्री का अध्ययन किया और अपने गुरु और सीनियर से अच्छी तरह उन्हें चित्रकला के जितने भी बारीकियाँ थी उसमें अच्छी तरह अध्ययन करके अपने जहन में पूरी तरह डाल लिया। उसके बाद उन्होंने अपना रुख दिल्ली की ओर किया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने छापा चित्रकारी की छोटी छोटी बारीकियाँ पूरी तरह सीख के अपने जहन में डाल ली और आज वह फील्ड में अपना कार्य पूरी तरह सक्षम से कर रहे हैं। दीपक कुमार डोंगरे आज हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। आइए चर्चा करते हैं दीपक कुमार डोंगरे के कला सफरनामे के क्या कहते हैं वो अपनी इस कला यात्रा के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम के वाफिद हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने ज़िंदगी के किसी न किसी सूबे में अपना एक खास मुकाम हासिल किया, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज जिस शख्सियत को हमने इस प्रोग्राम में जन्नत दी है, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। कला की दुनिया में इनके नाम को सभी जानते हैं। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जाने माने छापा चित्रकार दीपक कुमार के रहने वाले हैं, हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं। नमस्कार दीपक कुमार जी, दो टू सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। दीपक कुमार जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और उस वक्त आपके पारिवारिक माहौल कला के प्रति कैसा था और आपने किन परिस्थितियों में कला को चुना? नमस्कार सब लोगों को मेरी तरफ से। और मेरा जन्म जो है हरियाणा में हुआ है और हरियाणा में होने के नाते वहाँ आर्ट का कुछ ज़्यादा माहौल हमें मिला नहीं, शायद था भी नहीं उस टाइम पे जब हमारा जन्म हुआ। 1991 की बात है ये। और वहाँ लाइक चीज़ों को स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा धकेला जाता है, तो वहाँ पे आर्ट का कुछ माहौल कभी रहा ही नहीं। तो हम लोग अभी बनाने की कोशिश में हैं और लाइक कर रहे हैं, उन चीज़ों के प्रति अग्रसर हैं। और पारिवारिक स्थिति तो ठीक ही थी और उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अभी परस्पर हम मेहनत कर रहे हैं सब चीज़ों के लिए। दीपक कुमार जी, आपने BFA कहाँ से की और उस वक्त आपके गुरु कौन कौन से? हमारा बैचलर जो है 2009 में स्टार्ट हुआ था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से और 2013 में हमने वहाँ से कंप्लीट कर लिया अपना बैचलर। गुरुजन जो है बहुत गाइडेंस मिला हमें वहाँ से, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली और हमेशा हमारे सीनियर्स जो हैं सीनियर्स का बहुत सपोर्ट रहा है हमारे साथ। हम हमेशा सीनियर को ही तवज्जो इसलिए देते हैं क्योंकि एक टीचर से ज़्यादा एक सीनियर अपने जूनियर को ज़्यादा चीज़ें सिखाता है हमेशा। दीपक कुमार जी, आपने MFA जो थी वो प्रिंट मेकिंग में की और उस वक्त आपकी सोच क्या थी और आपने क्या सोच के प्रिंट मेकिंग को चुना और आज भी आप उसी फील्ड को काम कर रहे हैं प्रिंट मेकिंग को लेकर? जी, हमारा जो बैचलर है वो पेंटिंग में हुआ है। हाँ जी। और हमने प्रिंट मेकिंग को इसलिए चूज़ किया क्योंकि हम लाइन को एक्सप्लोर करना चाहते थे और प्रिंट मेकिंग जो है वो कम्प्लीटली लाइन बेस्ड वर्क है। हमारा सोच ये था कि अगर लाइन मजबूत है आपकी, वो स्केचिंग से हो या फिर किसी तरीके से, हमने वो माध्यम प्रिंट मेकिंग चुना। स्केचिंग तो डेफिनेटली हर को, जब कोई फाइन आर्ट्स में आता है तो डेफिनेटली उसका हक ही बनता है और वो करता ही है, कोई भी बंदा हो चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो। तो प्रिंट मेकिंग चुनने का मकसद ये था कि हम लाइन को एक्सप्लोर करना चाहते थे और 2 साल में हमने जामिया में जो रह के
अपने प्रिंट मेकिंग के थ्रू लाइन को जो एक्सप्लोर किया है, उन लाइन को जो है अभी हम अपनी पेंटिंग के माध्यम से डिपेक्ट करते हैं और अभी हम पेंटिंग में ही काम कर रहे हैं। मिक्स मीडिया है कुछ, उसमें कुछ इंस्टॉलेशंस हैं और कुछ जो है डिजिटल वर्क भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। दीपक कुमार जी, किस विषय को लेके आप अपना कार्य करते हैं और उसमें कौन कौन से माध्यम और टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? अभी हम जो है प्रोजेक्ट बेस्ड कुछ वर्क कर रहे हैं, जैसे अभी हमारा कुछ काम चल रहा है गड़ी गड़ी स्टूडियोज़ के ऊपर। हम एक रिसर्च कर रहे हैं और गड़ी के प्रांगण को ही अपनी पेंटिंग में और यहाँ के बिहेव को, यहाँ के आर्टिस्टों को अपनी पेंटिंग के थ्रू डिपेक्ट कर रहे हैं। हमने इसमें जो है यहाँ की फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं, यहाँ का कुछ लोगों का जितना भी आवास। वातावरण है, जहाँ का जो जी नेचर है उसके जी साथ। हाँ, यहाँ के लोगों के बिहेव, नेचर के साथ बिहेव, यहाँ का ट्रीटमेंट कि हम यहाँ पे आके क्या सोचते हैं जो यहाँ से निकल के नहीं सोच पाते हैं। तो जो जो भी एनर्जेटिक जो चीज़ें रही हैं और जो एनर्जी के साथ मैं यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे इस स्पेस को एक्सप्लोर करना है, तो मुझे इस स्पेस के साथ कनेक्ट होके काम करना चाहिए। तो मैंने अपने पेंटिंग्स में इस स्पेस को ही जोड़ दिया है और मैं इसी एक गड़ी स्टूडियो जो जितना भी ये स्पेस है, मैं इस स्पेस एरिया को, पूरा कवर कर हाँ रहे हैं आप, मैं 4 एकड़ की जमीन और के हाँ साथ पूरा वातावरण का माहौल, जो अपनी कला का पेंटिंग के माहौल माध्यम है। से कुछ इंस्टॉलेशंस हैं उसमें, तो वो सब डिपेक्ट हो रही हैं उन सब चीज़ों में। तो उसी के माध्यम से मैं अभी अपनी चीज़ें आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं दीपक कुमार जी के द्वारा बनाए गए कलाकृतियों पर। इस तरह है। जनाब दीपक कुमार डोंगरे की बात करें हम अगर चित्रकला की, या छापा चित्रकला की, या फिर इंस्टॉलेशन की, उन्होंने सभी में महारत हासिल कर रखी है। चाहे वह ड्राइंग हो, या फिर मोनोप्रिंट हो, या ब्लैक एंड वाइट ड्राइंग हो, जहाँ वो पेंटिंग करते हैं वहाँ ड्राइंग भी करते हैं, वहाँ छापा चित्रकला के भी आपको कई सारे नमूने देखने को मिलेंगे। आज वह पूरी तरह सक्षम है अपने कार्य करने में और आज वह फील्ड में फ्रीलांस अपना कार्य कर रहे दीपक हैं। कुमार जी, कुछ अरसे आपने पहले ललित कला एकेडमी रीजनल सेंटर, इस सेंटर में गढ़ी में भी आपने काम किया। उस वक्त कैसा माहौल था और क्या क्या कमियां दिखी आपको जिसमें हम सुधार कर सकें, या क्या क्या और कुछ होना चाहिए जिससे बेटर बन सके ये रीजनल सेंटर? सिर्फ ये ही नहीं, बाकी रीजनल सेंटर की भी हम सभी की बात करेंगे, जिससे बेटर अच्छा माहौल कलाकारों को प्रदान हो सके। मैंने यहाँ पे जो है करीबन 3 साढ़े 3 4 साल काम किया है और जितना मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है चीज़ों को, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ललित कला के जो रीजनल सेंटर गढ़ी है दिल्ली, जो दिल्ली गढ़ी सेंटर है स्टूडियो की आपकी जो मैं बात करता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपको जो है अगर अपने आप को आर्ट के थ्रू अगर एक्सप्लोर करना है तो इससे बेटर स्पेस नहीं है। और ये स्पेस जो है यहाँ पे बहुत सारे आर्ट टॉक होते थे पहले, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी होते थे और सीनियर आर्टिस्टों का एक प्रेजेंटेशन होता था, वीडियो वीडियो जो है डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ का भी फिल्में होती हैं, स्लाइड फिल्में शो होती थी होते उस टाइम जो थे, है। एग्जीबिशन होती हाँ, थी। उस टाइम जो है आर्ट का एक बहुत अच्छा माहौल था, लोग कनेक्ट हो रहे थे एक दूसरे के साथ। संडे आर्ट हट की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें, हाँ, जो कृष्णा शेट्टी हाँ जी ने शुरू किया हाँ था कृष्णा शेट्टी जी ने वो जो स्टार्ट किया था टाइम वो चीज़ें बहुत, मुझे लगता है कि गढ़ी को, गढ़ी सिर्फ गढ़ी को ही नहीं, गढ़ी के आर्टिस्टों को गढ़ी जो है बनाने वाली जो चीज़ आती है ना, वो उन सब चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से गढ़ी बनता है ये। और उन सब चीज़ों के फिनिश होने के बाद मेरे ख्याल से 4 5 साल हो गए हैं वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो उस वजह से लोग यहाँ डिसकनेक्ट हो गए हैं। तो वो चीज़ें वीडियो डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ हैं और जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री मूवी होनी चाहिए। संडे आर्ट हार्ट भी अगर करते हैं मंथली एक टाइम पे या फिर दो दो मंथ में एक टाइम पे, तो मेरे ख्याल से आर्ट बायर के साथ बहुत सारे लोगों को एक कनेक्टिविटी भी मिलती है और जिन लोगों के जो लाइक कमर्शियल नहीं कर पा रहे हैं
जो सिर्फ आर्ट में ही काम कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि संडे आर्ट हर्ट उन लोगों के लिए एक होप का भी काम कर रहा था। और साथ के साथ जो है, जो सीनियर आर्टिस्टों का जो प्रेजेंटेशन होता था एक मूवीज के थ्रू या फिर उनके वर्क के थ्रू, जिस तरीके से वो लोग अपने वर्क को प्रेजेंट करते थे, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट गढ़ी के होते थे लेकिन बाहर के भी बहुत सारे लोग सुनने के लिए आते थे उन सब चीज़ों को, तो वो एक सीनियर आर्टिस्ट का जो एक कनेक्शन रहता है ना, कि मैं किसी को नहीं, मैं मुझे एक सीनियर आर्टिस्ट, मुझे मालूम नहीं है नाम, बट उनका वहाँ पे प्रेजेंटेशन चल रहा है, मैं उस प्रेजेंटेशन के थ्रू उनके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, तो वो चीज़ें ब्रेक हुई है। मुझे लगता है वो सारी चीज़ें फिर से कंटिन्यू अगर होती हैं तो उसमें क्या है ना, आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ बात करेंगे और बातें करने से ना मसले हल होते हैं। जो भी मसले हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं अभी, मुझे लगता है कि सब लोगों को बैठ के इस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए और हल निकाल के फिर से घड़ी को वैसे ही जैसे था हमारा अपना घड़ी, हमें वैसे ही उस घड़ी के लिए कंटिन्यू तत्पर होकर काम करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये स्पेस सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट का नहीं है, ये स्पेस हमारा है, आपका है और ये अपना स्पेस है। मैं तो इसको अपना घड़ी बोलता हूँ। इसके तो ये अलावा हमारा घर मैं, है, हम घर की तरह यस एक परिवार की तरह रहते हैं हाँ और इसको बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। जी, अच्छा स्पेस है और इतना बड़ा स्पेस मुझे मैंने ये दे एशिया का हाँ नंबर वन विलेज है, जो जी। शंकु चौधरी जी ने इसको बनाया था और और आज भी कई सीनियर कलाकार यहाँ कार्य कर रहे हैं। संकुदा का भी नाम आता है, तो लाइक संकुदा को भी कुछ कंट्रीब्यूशन हम सब आर्टिस्टों की तरफ से होना चाहिए। ये मंथली ईयरली तो हम कर ही सकते हैं ना, सारे लोग ईयरली मिलके, हम है करते हैं, ना, उनका बर्थडे तो मनाते हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह थोड़ा से कुछ हाँ क्लोज हो गई हैं होता चीज़ें। मुझे लगता है कि एक ऐसा आदमी जिन्होंने ये, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठ के अपनी आर्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस इंसान को, उस एक कलाकार को अगर हम कंट्रीब्यूशन अपने लाइक थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, तो ये अब वो है नहीं, तो हम खाली टाइम दे के उनको याद कर सकते हैं, तो ये हमारे आर्ट और हमारे आर्टिस्ट होने का जो एक भाव है ना, वो मुझे लगता है जिंदा रहेगा अगर हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो। दीपक कुमार जी, जैसे ललित कला अकेडमी है, साहित्य कला अकेडमी है, मॉडर्न आर्ट गैलरी है, जी संस्थाएं पूरी आर्ट को प्रमोट करती हैं और पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारे इंडिया को लेके, इन्होंने कौन कौन सी और एक्टिविटीयां करवानी चाहिए जिससे कला और कलाकारों को बेनिफिट मिल सके और इनमें ज़्यादा संस्थाओं में भी सुधार हो सके, इसमें आपके क्या विचार हैं? ललित कला एकेडमी, संस्कार भारती, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, या फिर हम बात करें नेशनल म्यूजियम की, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, मुझे लगता है कि आर्ट को प्रमोट करना तो एक बहुत अच्छी बात है, जो बहुत पहले, बहुत बहुत पहले से कंटिन्यू होता ही आ रहा है, उसमें इजाफा होना चाहिए था, बट समय की चीज़ें जो हैं वो कम हो, समय के अनुसार वो चीज़ें कम होती चली गई जो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि आदमी का जब उम्र बढ़ता है ना, तो उसके साथ उसकी समझदारी भी बढ़ती चली जाती है, परंतु यहाँ पे चीज़ें जो हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी समझदारी कम होती चली जा रही है, जो ठीक दिशा नहीं है इस आर्ट वर्ल्ड के लिए। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि मुझे ऐसे लगता है, मुझे पर्सनली ऐसे फील होता है कि आर्टिस्ट को भी प्रमोट करना चाहिए, आर्ट तो प्रमोट हो ही रहा है ना, आर्टिस्ट को भी आर्ट के साथ प्रमोट करना चाहिए, ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप उसकी आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और अगर आप आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं और आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो फिर इसमें दोनों में तो लाइक बहुत बहुत दिन रात का फर्क है, क्योंकि आर्ट के थ्रू आर्टिस्ट को जानते हैं लोग, बट आर्टिस्ट के थ्रू आर्ट को जाने, ये भी तो एक पर्सपेक्टिव हो सकता है ना, कि ये आर्टिस्ट ऐसे बहुत हैं, बढ़िया तो बात कही आपने, दोनों दोनों पर्सपेक्टिव की तरफ। हाँ दोनों यस, को और एक्टिविटीयां बढ़ानी चाहिए एक्टिविटी अलग बढ़ानी चाहिए, कैंप जो है वो लाइक होने चाहिए, कैंपों में लोग आर्टिस्टों की संख्या बढ़ाओ, भले ही आप जो है अमाउंट कम करो या ज़्यादा करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट लोगों को अपॉर्चुनिटीज दो, क्योंकि लोग अभी कोविड के बाद से बैठे हुए हैं, उनके पास लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पास अभी अमाउंट नहीं है काम करने के लिए, जो खाली कमर्शियल भी नहीं कर पा रहे हैं, जिनको कोरोना ने कमर्शियल पूरी कमर तोड़ यस, दी है तो आर्ट फील्ड की इन भी। सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ललित कला अकेडमी को भी ध्यान देना चाहिए और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको एटलीस्ट फिर से जो वो जो आर्ट खरीदता था, वो जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट वाला, परचेजिंग उसको होती थी परचेजिंग वाला वहाँ, जो फिर एक प्रोसेस से था, शुरू करना फिर से चाहिए। स्टार्ट करना चाहिए, वो स्टार्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो एक हेल्प हो जाएगा उन आर्टिस्टों के लिए जो अभी स्ट्रगलिंग है या फिर बहुत टाइम से कंटिन्यू जॉब नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं, सिर्फ काम ही कर रहे हैं, वो भूखे प्यासे रह के जैसे मर्जी काम कर रहे हैं, बट वो काम कर रहे हैं, उन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए इन सब संस्थाओं को।
दीपक कुमार जी, अब तक आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप, प्रदर्शनियां, जहाँ किन किन स्थानों पे आपने कला की संस्थाओं के साथ कार्य किया, जरा उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी मेरा अभी काफ़ी टाइम से मैंने गढ़ी में काफ़ी टाइम मैं गढ़ी में था। गढ़ी से जाने के बाद या गढ़ी में होने के बावजूद मैं काफ़ी जगह अप्लाई करता था, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह, फेलोशिप वगैरह, मिनिस्ट्री वगैरह का किया है, फिर रेजिडेंसी वगैरह किया है, अप्लाई किया था काफ़ी जगह पे। होता है कहीं कहीं जाना होता है, कहीं कहीं नहीं जाना होता। वो चीज़ें तो हमेशा हर किसी इंसान के साथ जुड़ी होती हैं कि मिल गया है इस बार तो इस बार नहीं मिला है। तो हर आर्टिस्ट को अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई मस्ट है, ताकि आप लोगों का काम दिखे हर जगह पे। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपना काम कहीं पे भेज रहे हैं, आपका होना या ना होना वो डिपेंड नहीं करता है, बट आपका काम दो लोग देख रहे हैं। जूरी पे डिपेंड करता है, जूरी कौन है, कैसे है, जी, लेकिन क्या पसंद है? होना या ना होना वो डिपेंड नहीं करता, बट आपका काम दो लोगों की नज़रों में आ रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है, आपको उसके लिए काम करना चाहिए। कोई अवार्ड के लिए बेसिकली ऐसे नहीं होता है कि मुझे सिर्फ अवार्ड के लिए काम करना है। आप जो है आप काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए, आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए काम कीजिए। बाकी तो चीज़ें, अगर आप सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली चीज़ें जुड़ती ही चली जाएंगी आपके साथ। और हाल ही में दीपक जी आपने आउटडोर बहुत सारे काम किए, बाहर भी गए, विदेश में भी गए, देश में भी आप अलग अलग जगह प्रोजेक्ट वर्क काम कर रहे हैं जी, उसमें और जो कार्य में आपको एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। बाहर जो काम किए या फिर जो मैं कमर्शियल काम कर रहा हूँ, तो वो स्केल जो है आर्ट वर्क का जो स्केल है वो स्केल थोड़ा बड़ा साइज का रहता है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक आर्टिस्ट को अगर अपने कैनवस पे कुछ एक्सप्लोर करना है तो लाइक ब्रश का जो साइज होता है ना, ब्रश किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से आप चला रहे हैं ब्रश को, तो मैं काम करता हूँ कॉमर्शियली ताकि मेरा हैंडलिंग जो है वो बड़े काम के लिए रहे, मेरा यस सके ज्यादा, यस मेरा कोई मकसद नहीं रहता उसके पीछे कि मुझे इतना अर्निंग करना है, मुझे खाली बड़ा काम भी जरूरी है, अगर होता तो अच्छी बात है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा जो मेन मोटिव रहता है, इसलिए शायद चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं और शायद कंटिन्यू चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर मेरे मन में सिर्फ बैठ ही जाएगा कि मुझे पैसा कमाना अपनी आर्ट के थ्रू, सोचो मैं अगर पेंटिंग भी कर रहा हूँ तो मैं सोचूं मुझे पेंटिंग से पैसा कमाना है, तो शायद मैं वो उसमें भाव या फिर वो इमोशंस नहीं आ पाएंगे वो स्ट्रोक में, तो आई डोंट वॉन्ट कि वो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाएँ। तो इसलिए मैं जो भी करता हूँ अपना फ्री होके करता हूँ, अपना जुड़ के करता हूँ चीज़ों के साथ, वो हर आर्टिस्ट को करना चाहिए। जब तक उसका जुड़ाव किसी चीज़ के साथ नहीं रहेगा तो मुझे नहीं लगता वो चीज़ सक्सेस होगी। और लालच तो मन से निकाल ही देना चाहिए सबको, लालच नहीं होना चाहिए, कला के लिए करनी चाहिए। और यस, आप फील्ड का काम प्रोजेक्ट वर्क उसके हिसाब से, डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत बढ़िया बात कही आपने जी, फील्ड का काम फील्ड के हिसाब हो, अपना कार्य अपने कार्य के हिसाब से। दीपक कुमार जी, कला के अतिरिक्त और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटियां हैं जो आप करते हैं, जैसे गाना हो, बजाना हो, या कुछ और इंस्ट्रूमेंट, या कोई और एक्टिविटियां जो आपको भाती हैं? पेंटिंग के अलावा मैं बहुत बार इधर यूट्यूब ही लाइक ज़्यादा प्रीफर करता हूँ हमेशा, जिसमें भरतनाट्यम वगैरह, कथक वगैरह मैं देखता रहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें अपनी संस्कृति की एक झलक दिखती है आज के टाइम में। वैसे भी मॉडर्न टाइम में तो ये सब चीज़ें लाइक गायब सी हो गई हैं, तो मैं वही कभी कभी मंडी हाउस चला जाता हूँ, कभी कभी इधर एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला जाता हूँ, बहुत सारे थिएटर होते हैं, तो वो चीज़ें उनके साथ जुड़ के वो चीज़ें देख के तो फिर मन में अपनी कला और संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए, हर आदमी को जुड़े रहना चाहिए, और वो जुड़ाव जो है आपके काम में भी दिखाई देता है फिर, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इंडिया में काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप इंडिया से बाहर कहीं जाते हैं तो आपकी संस्कृति आपके काम में दिखनी चाहिए कहीं ना कहीं, मुझे ऐसे लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जोड़ के रखती हैं, अगर आप हवा में भी उड़ रहे हैं तो वो आपको जो है ज़मीन पर लेके आएंगी वापस, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अकेडमी को भी कभी कभी प्रोग्राम करवाने चाहिए, भरतनाट्यम, कथक वगैरह, म्यूजिक वगैरह, डांस वगैरह, ये सब। वो साहित्य अकेडमी है, नाट्य अकेडमी है, NSG है, उधर होता है कभी कभी, ललित कला अकेडमी के साथ भी ये सारी चीजें कोलैबोरेशन में होनी चाहिए। आर्टिस्ट का काम सिर्फ पेंटिंग करना नहीं है, उसको लाइक जब हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें करते हैं, किसी किसी चीज को किस तरीके से एनहेंस करना है वो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा लाइक मैं कैनवस के आगे ही बैठा हूँ, सिर्फ मुझे पेंटिंग ही करनी है, तो उससे पेंटिंग नहीं होती है, एक्सप्लोर करना है,
घूमना है, पढ़ना है, बहुत जरूरी हो गई है चीजें आज के टाइम में। दीपक कुमार जी, एक आखिरी सवाल। जो हमारे युवा दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कला के माध्यम से कि वो फील्ड में टिके रहें, या फील्ड में आने के लिए कौन कौन सी तैयारी उनको करनी चाहिए? सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है, आप कहीं भी हैं देश के कोने में या विदेश, कहीं भी संसार के किसी भी कोने में हैं, तो अगर आप आर्ट्स में हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहला स्टेप जो है वो स्केचिंग है, जो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए। आप कम करो ज़्यादा करो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको एक स्केच दो स्केच दिन में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक दो स्केच तो एटलीस्ट आपको करना ही चाहिए। और प्लीज़ बुक के अंदर से स्केचिंग मत करो, है ना, लाइव करो, जो भी आ रहा बहुत है नहीं बढ़िया आ रहा है भाई, लाइव करो। बहुत लाइव बढ़िया जो भाई, सिखाता है वो बुक नहीं सिखाएगी, क्योंकि जो स्ट्रोक आपने सामने देख के मार दिया ना, वो बुक में देख के आप वो स्ट्रोक नहीं मार सकते हैं। और रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, काम करना है, काम ही आगे लेके जाएगा, और सच्चे मन से काम करना है। मन में जो लालच है उसको निकाल के फेंक दो, और अच्छे सच्चे दिल से, अच्छे भाव से, दूसरों का अच्छा सोच के काम करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे अपना ही अच्छा करना है, आपके काम से दो लोगों को भी पेट भरना चाहिए, ऐसा भी सोच के काम कर सकते हैं। कुछ कमर्शियल उठाया है तो ऐसे दो लोगों को जरूरत है जिनको, उनको साथ लेके आगे बढ़ो ताकि वो आपको लेके आगे बढ़े। ऐसे यूनिटी बना के रखो एक दूसरे के साथ, ताकि एक दूसरे का साथ लगे। पाँव जो खींचना होता है ना, वो लाइक ना तो आपको आगे बढ़ने देगा ना मुझे आगे बढ़ने देगा। साथ में रहो, साथ में ही चीज़ें होती हैं हमेशा, ऐसा बोला गया एकता में बल है, तो ये चीज़ें हैं बस। दोस्तों ये थे हमारे साथ दीपक कुमार जी, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। आज इनके बारे में जाना, इनकी कला के बारे में जाना, और कला पे बहुत सारी चर्चा हुई। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में दीपक कुमार जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों अगली बार फिर मिलेंगे किसी और जगह किसी और शख्सियत के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाजत। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय।